So good to meet you online. I'm so happy. Same here. I still can't believe that we may be virtually, but you're sitting in front of me and I'm talking to you. Yeah. What do you do and like say, where do you live? Currently, we live in Abu Dhabi. I moved here with my husband. I'm working as a CMO for one of the Indian organization only. So I'm working remotely from Abu Dhabi. बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू आस्क? सो सर, व्हाट हैपेंस इज आई वांट टू नो हाउ टू नॉट गेट अफेक्टेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड फ्रॉम द पीपल यू कांट अवॉइड. से सो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट थैंकफुली इट्स नॉट पेरेंट्स, इट्स लाइक ऑल एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स. Thankfully, we are blessed with best of the parents where they don't expect us to do things. हम उनको हफ्ते भर भी कॉल नहीं करेंगे तो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं. But you know, people will come and say कि हाँ तुम्हारी तो लाइफ, you there's no problem in your life. Why will you bother about us? ये वो all these kind of things keep happening. और वो सच भी है, वो कोई झूठ तो नहीं है, वो सच भी है. Because you are living in Abu Dhabi with your husband and आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही है, वो आपकी स्माइल देख के आइडिया लग रहा है. नहीं तो अगर प्रॉब्लम्स होती तो आप इतना खुल के हंस नहीं पाते. द पॉइंट इज कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, प्लस आपने कहा कि आपके पेरेंट्स भी अच्छे हैं, आपके लॉज भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है. तो अब बात आती है जो दूर के रिलेटिव्स हैं, जो एक्चुअल में ही दूर के हैं, जो बस जिनकी आदत होती है बड़बड़ बड़बड़ करते रहने की, कि कहीं मिले फंक्शन में तो वो आ करके जबरदस्ती कुछ भी ऐसा बोलेंगे जो आपको सुन करके या तो बुरा लगेगा या आपको गुस्सा आएगा. अगर आप ध्यान से उनकी साइकी को समझोगे तो आपको या तो उन पर तरस आएगा या उन पे हंसी आएगी. आप कभी भी हर्ट नहीं होगे उनकी वजह से, क्योंकि वो अंदर से क्या चाहते हैं. देखो ध्यान से समझना, बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं या जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप खुश रहो. लोग क्या चाहते हैं, वो जब आपसे बात करेंगे ना या आपका लाइफस्टाइल देखेंगे या कुछ भी, वो ये निकलवाना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनको बेटर फील कराएगा. वो उनको ऐसा फील कराएगा कि यार प्रॉब्लम सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं है, इसकी लाइफ में भी है. तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है. अब जब आप हंस रहे हो खुल करके उनके सामने, तो दैट मींस कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है. तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए अलग अलग तरीके से, मतलब वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे ताकि वो आपको किसी तरीके से नीचे गिरा सके, ताकि वो आपको दुखी कर सके. तो इसमें क्या करना होता है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो हंसते रहो. अभी जैसे हंस रहे हो ना आप मेरे से बात करते हुए, हंसते रहो. कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, कर रहा है, हंसते रहो. उसमें क्या उनकी बातों को सीरियसली लेना है, वो उनका नेचर है. बिल्कुल ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी पार्क में गए घूमने के लिए और एक प्यारी सी एक बिल्ली दिखी आपको, है ना, और वो म्याऊं म्याऊं कर रही है. अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई वो म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही है, तो प्रॉब्लम उस बिल्ली की है या आपकी है? मेरी है ना? हाँ, एग्जैक्टली. बिल्ली का काम ही म्याऊं म्याऊं करना है. बिल्ली है तो वही करेगी ना जो उसको आता है या जो उसका बेसिक नेचर है. तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ से, अगर उनका पास्ट उठा करके देखोगे ना, जो इंसान, मेरी इस बात को याद रखना, जो इंसान अपनी लाइफ से खुश होता है वो कभी भी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है, वो दूसरे को फालतू के टॉन्ट नहीं मारता है, वो दूसरे को तंग नहीं करता है. लेकिन जो खुद अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होगा ना, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं बोल रहे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी. फिर चाहे सामने आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, आप खुद को छोड़ो, आप मेरी एक वीडियो फॉरवर्ड कर दो, मेरे बारे में उल्टा बोलने लग जाएंगे. okay, कौन है ये? मेरे को क्यों फॉरवर्ड करी है, इसको क्या आता है, मेरे को सब पता है, मैं ये मैं वो, समझ गए? तो That is their problem, that is not your problem. तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज है जो हमको समझना होता है कि वो एक्चुअल में आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वो अंदर से क्या है. तो हल्के में लेना होता है उन पे. अगर आना ही चाहिए आपको तो कंपैशन आना चाहिए, क्या है बेचारों की कितनी बुरी हालत है. देखो अगर वो इतने कैपेबल हैं कि वो एक दूर के रिलेटिव का टॉर्चर कर सकते हैं, तो वो अपनी खुद की बहू का या अपने खुद के बेटे का या बेटी का पता नहीं क्या हाल करते होंगे. भगवान ही बचाए उनको. हाँ, और ये सच है ना, ऐसा ही होता है भी, है ना. हाँ, आप रिलेट कर पा रहे हो ना. तो इस तरह से हमको देखना होता है, तो फिर हम हल्के फुल्के हो जाते हैं. और प्लस अपनी ब्लेसिंग्स को देखो, आप खुद ही अपने मुंह से बता रहे हो कि भाई आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, विच इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है. अच्छे पेरेंट्स मिलना जो कि अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, जो केयरिंग हो, बहुत बड़ी बात है. यू गॉट द आंसर आपके क्वेश्चन का? हाँ, अब ऐसे हंसते रहोगे आप? यस सर.
सर वो तो क्वेश्चन, वो तो मेरे लिए सब बोलते हैं कि तुम्हारे को चुप कराना है या फिर तुम्हारे को सैड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इवन इफ आई एम सैड आई कीप स्माइलिंग, मतलब एटलीस्ट अदर्स विल नॉट नो कि आई एम सैड. ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. ये जो आपकी क्वालिटी है ना, जैसे आप बता रहे हो कि आप हंसते रहते हो, इससे बड़ी कोई क्वालिटी नहीं है. मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं माइंड की बहुत डेप्थ में गया हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली जा करके माइंड को समझा है. और ह्यूमन लेवल पे जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना, उसकी जो नेचुरल मेडिसिन है और जो श्योर शॉट मेडिसिन है, दैट इज अ स्माइल. अगर आपको खुल के हंसना आता है ना और हंसते रहना आता है, तो आप साइकोलॉजिकली कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते. याद रखना इस बात को. मतलब जैसे ही हम बीमार पड़ने लग जाते हैं ना एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, तुम्हारी शोल्डर्स गिरने लग जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, हंसी चली जाती है चेहरे पे से, आदमी सीरियस रहने लग जाता है, आदमी औरत दोनों. तो अब बेसिकली ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी जो क्वालिटी है, आपको खुद भी नहीं पता है आपके पास में क्या है. कि मतलब जब कुछ ना काम आ रहा हो, जब आदमी सब तरफ से फंस जाता है ना, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती है, अगर उस वक्त भी आपके चेहरे पे स्माइल रह सकती है, तो यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर. बहुत बड़ी पावर है ये, दिस इज अ वेरी बिग पावर जो आपके पास में है. मे गॉड ब्लेस यू. अरे बहुत बड़ी पावर है ये. एंड माय हार्टिएस्ट विशेस आर फॉर यू कि आपकी स्माइल हमेशा बनी रहे, आपकी आपकी फैमिली की, और सब कुछ अच्छा चलता रहे. मेरी दिल से ब्लेसिंग्स हैं और मेरे दिल से ये विशेस हैं आपके लिए.